आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा, दूध को बैठाया गर्म करने के लिए और दूध वहाँ फटकर बोलेगा, लो जी मैं तो फट गया। तो भाई फटे हुए दूध की आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ये मिठाई। तो दूध फटना कोई टेंशन का काम नहीं रह जाएगा, दूध फटा तो आराम से उसे कहिए, अच्छा तुम फट गए, लो फिर बनाती हूँ मैं तुम्हारी बहुत ही मज़ेदार सी ये मिठाई। बनेगी बहुत ही आसानी से, बिल्कुल दानेदार, इतनी सॉफ्ट कि मुंह में जाते ही घुल जाने वाली। और जब तक आप इस सीक्रेट को किसी के सामने खोलेंगे नहीं कि ये मिठाई फटे हुए दूध की बनी है, पहचानना बिल्कुल होगा नामुमकिन। इतनी स्वादिष्ट, शानदार, मज़ेदार हमारी ये मिठाई बनके होगी तैयार, बिल्कुल दानेदार और स्वादिष्ट इतनी कि आप जानबूझकर, एक बार आप इस मिठाई को बना लेंगे, जानबूझकर आप दूध को फाड़ना पसंद करेंगे और पनीर की जगह आपके घर में ये मिठाई बननी बहुत ही आम सी बात हो जाएगी। बनाना है बिल्कुल ही आसान, ना कोई झंझट है, ना कोई सरदर्दी, ना कोई परेशानी, बिल्कुल आसानी से हमारी बनेगी ये मिठाई। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो चलिए आज की अपनी ये फटे हुए दूध की मज़ेदार रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। मेरा दूध यहाँ पर 3 kg के अराउंड है, सारे दूध का मैं नहीं बनाऊंगी, आधी का बनाऊंगी। अगर आपका दूध खुद से फटा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उसमें विनेगर वगैरह डाल के फाड़ रहे हैं दूध को, तो फिर आपको इसे धो लेना होगा। अभी हम लेंगे एक छन्नी, कोई भी पतीला रख लीजिए, इसके पानी को हम निकालेंगे वो काम आ जाता है। अब ले लीजिए कोई भी सूती कपड़ा, मलमल का कपड़ा, और इसमें हम छान देंगे। इसे आपने अगर खुद से फाड़ा है, नींबू या फिर विनेगर सिरका का यूज़ किया है, इसे धो ले छेने को। इस पानी को, पनीर के दूध के फटे हुए पानी को, सॉरी आप आटे वगैरह गूंथने में यूज़ करें, काफ़ी हेल्दी होता है ये। अब इसे घुमा घुमा कर हल्का सा, जितना इसमें से पानी निकल जाए उतने पानी को हम निकाल देंगे। साथ ही के साथ हमें ये बनाना है, छोड़ना नहीं है। सबसे पहले कढ़ाई में आप लें एक छोटी कटोरी मूँगफली के दाने। अगर आप मूंगफली खाना पसंद करते हैं तो ले, ये मिठाई बिना इसके भी बन जाएगी। तो अगर आपको मूंगफली खाना स्वाद पसंद आता है तो डालें, नहीं पसंद है तो सिर्फ 1-2 चम्मच आप ले लें। लेकिन मूंगफली को भूनते समय खास ध्यान देना है, ये कच्ची बिल्कुल भी ना रहे, नहीं तो डायरेक्ट हम छेने की ही बनाएंगे फटे हुए दूध की, उसमें इसका स्वाद बहुत ही अच्छा नहीं आएगा अगर ये कच्चा रह गया तो। तो हमें इसे बिल्कुल धीमी आंच पे अच्छे से भुनना है। जब इसके छिलके खुद ही चटकने लगे और निकलने लगे, उस स्टेज पे हम इसे ठंडा होकर छिलकों को हटा करके और बिल्कुल फाइन मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पर छेने में जितना पानी था उतना निकल गया, थोड़ा बहुत ये गीला गीला सा है, मुझे अपने हाथों में महसूस हो रहा है, तो थोड़ा बहुत पानी है चलेगा। बिल्कुल दानेदार हमारे ये हो गए हुए हैं। आप कभी भी इसे बनाए पैकेट वाले दूध या फुल क्रीम दूध का, बहुत ही अच्छे से अच्छी क्वांटिटी निकल जाती है। कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी, घी नहीं तो आप रिफाइंड ऑयल डालें, लेकिन ज़रूर ही डाल दें। अच्छे से इसे कढ़ाई में चारों तरफ फैला देंगे, क्योंकि दूध का कोई भी आइटम जब आप बनाते हैं वो बहुत जल्दी जलने लगता है, इसलिए हमें खास ध्यान देना होगा। और फ्लेम को बिल्कुल धीमी करके तब इसमें हम डालेंगे अपने इस छेने को। इसे धीमी आंच पे हमें भुनना है, ये जलना नहीं चाहिए। अगर आपकी कढ़ाई गर्म हो गई है, घी या तेल ज़्यादा गर्म हो गया, तो उसे आप थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें, फिर इसमें डालें और लगातार हमें चलाते रहना है। पहले ये बिल्कुल हो जाएगी गीली, जैसे हम मावा भुनते हैं पहले वो बिल्कुल गीली गीली हो जाती है, बाद में सूख जाती है, वैसी ही ये होगी। जब ये भुन जाए और सूख जाए, इसमें मैंने डाला हुआ है चीनी का बुरादा 2 कटोरी। मिठास आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट चीनी आप इसमें ना डालें। चीनी अगर है तो उसे मिक्सी करके डालें, क्योंकि हमें इसे थोड़ी, जब ये सूख जाएगी तब डालनी है, चीनी के दाने रह जाएंगे। अब इन दोनों को लो टू मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स होने देना है। अगर आपको लगे कि उसके पहले ही आपकी ये बिल्कुल सूख रही है, तो टाइमिंग उसके पहले भी हो सकती है, आप अपने गैस को बंद कर दें। ये दोनों अच्छे से मिक्स हो गया, आप जब इसे मिक्स करेंगे, चलाएंगे, ये थोड़ी टाइट सी होने लगेगी, सूखने लगेगी। उस स्टेज पे गैस को अपने बंद करके और जो मूंगफली हमने पीस के रखी हुई है उसे आप डालें। आपको अच्छे टेस्ट के लिए इसमें इस समय थोड़ा सा इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं। मूंगफली के दाने थे जिसे मैंने बिल्कुल महीन पाउडर बना लिया है,
इसका पाउडर आपको बिल्कुल महीन ही बनाना है। मैंने डाली है एक छोटी कटोरी, मुझे थोड़ा मूंगफली का टेस्ट ज़्यादा ही पसंद आता है इसलिए मैंने डाल दिया। अब इनको आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए और अपनी गैस को जला देंगे। मूंगफली डालने के बाद सिर्फ 30 से 40 सेकंड ही आपको मिक्स करना है, क्योंकि चीनी और जो हमारा छेना है वो अच्छे से सूख चुका था मूंगफली जाने के बाद। ये अगर आप ज़्यादा देर भून देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। दूसरी तरफ फटाफट से ले ले एक प्लेट, उसमें लगा दे घी, फैला दे अच्छे से चारों तरफ और उसके बाद अपने इस बनाए हुए मिश्रण को इसमें डालें। कोई भी आप या तो कटोरी ले ले या ऐसे जो चमचे होते हैं बिल्कुल चिपटे से, उससे इसे एक बराबर हम फैला देंगे साइड साइड से भी। ये इसके दानेदार होते हैं तो साइड साइड से आप अच्छे से इसे चिपका दे, सेट कर दे, नहीं तो बिल्कुल ये भुरभुरी सी रह जाएगी किनारे किनारे में। और आपको अगर ये लगे बनाते समय कि आपकी थोड़ी ज़्यादा ये सूख गई तो कोई बात नहीं, उसमें आप हल्के से दूध के छींटे वगैरह डाल दें। बादाम है जो बिल्कुल शार्प से होते हैं कटर कद्दूकस के ऊपर, उसे कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे बिल्कुल महीन महीन टुकड़ों में काट करके ऊपर डालकर और एक बार चमचे से ज़रूर अच्छे से दबा दें जिससे वो अंदर सेट हो जाए। जब ये ठंडी हो जाए फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दे और उसके बाद आपकी ये मिठाई बनके है तैयार। कोई भी नुकीला सा ले ले चाकू और उससे अपने मन चाहे आकार में आप इसे कट कर लें, लेकिन ये मिठाई आपके सिर्फ 2 से 3 दिन तक चलेगी। बिल्कुल दूध की बनी है तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, सिर्फ 2 से 3 दिन ही ये चलेगी। आप इसी मिठाई को ज़रूर बनाएं और खा करके दिल दिमाग खुश ना हो जाए तो फिर बताएं। बहुत ही आसानी से दानेदार, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली, इतनी स्वादिष्ट, बनाना बहुत ही आसान जो आपको दिख रहा है। बेफिक्र होके बनाएं, आपकी ये मिठाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली और स्वादिष्ट इतनी बनेगी जो खाएंगे तारीफें ही आप पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और अगर रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना और हमारा साथ ऐसे ही बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें, अपना साथ बनाए रखें। फिर मिलती हूँ अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।